अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? सब ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, बात कुछ इस तरह कि मैं घर आ गया था, लिफ्ट लेके पहुंचा था जैसा कि आपने देखा है, और अभी ये है कि मैं गाड़ी लेके आया हुआ था बाहर, और मेरे साथ कज़न मेरा और मेरा भाई, ये सीख रहे हैं गाड़ी। और वैसे तो चोई साहब सिखाते हैं गाड़ी, तो आज चोई साहब को हमने कॉल की है। चोई साहब पता नहीं बिजी थे, कॉल नहीं उठाई। मैंने सोचा कि मैं इनको लेके आ जाऊँ बाहर, तो मैं इनको सिखाता हूँ। मुझे भी गाड़ी जो चोई साहब ने सिखाई हुई है, कभी बैठते हैं। चलो जी, जान दो पीछे हमारे दूसरे चोई साहब हैं, सारे चोई साहब हैं, ठीक है। तो अभी ये है कि 16 साल की उम्र में मैंने सीखी थी, और चार साल हो गए हैं अभी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो ये है कि अभी ये भी 16 के हैं, तो सीख रहे हैं। इधर हमारे इलाके में जिसके पास गाड़ी है, वो 16 साल में बच्चे को सिखाना शुरू हो जाते हैं। 18 के बाद लाइसेंस, उसके बाद रोड पे छिक सटो, घर से बाज़ार तक इसने चलाई है। फिर आगे मैं इनको बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, फिर जब भी ये चलाएगा बाज़ार तक, फिर वो चलाएंगे दूसरे चोई साहब जो पीछे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। जो फिलहाल जो इनकी प्रोग्रेस है ठीक है, सही चला रहे हैं। और मैं तो कल आया हूँ, ये तो पहले चोई साहब इनको सिखाते थे, चोई साहब ने थोड़ा सही ट्रेन कर दिया इनको। ये पता नहीं हफ्ता डेढ़ हुआ इनको चलाते हुए, तो ये तो सही चलाते हैं। तो अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो गाँव में जो इम्पोर्टेंट हैं, वो इनको दसना ज़रूरी हैं। वो ये है कि गाय छाए भैंस हैं साज, स्पीड नहीं मारनी, मेन बात स्पीड नहीं मारनी इधर। उसके बाद दूसरी ये है कि अपनी गाड़ी बचानी है, क्योंकि रोडे तंग हैं इधर, शुंडे शुंडे बैकड़ शेकड़ कंडे शंडे इधर होते हैं, कांटे शाटे रास्ते में होते हैं। बारात जा रही है, हमने दरमियान में गाड़ी कर ली हमने भी। रास्ता कितनी गाड़ी है पीछे? काफी ज्यादा, रास्ता दे देंगे ना आगे हमसे। सही है, जाने दे, सही है सही है। ये वाले चोई साहब आईलैंड से आए हैं हमारे। तो अभी हम जा रहे हैं बाजार की तरफ, और रोडों की हालत आप देख सकते हैं ये आगे, इधर क्या गाड़ी चलाएं। और ये है कि अभी जो गांव की रोडें होती हैं, अगर आप उधर गाड़ी चलाना सीख गए हो, सही चलाते हो उधर गाड़ी, शहर में मुश्किल नहीं होती, सीधी बात है। जो ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं इस्लामाबाद चलाता था दोस्तों की, यह है कि उधर मुझे मुश्किल नहीं होती, क्योंकि इधर मैंने गाड़ी बचाना, गाड़ी को क्रॉस करना ठीक है, कोई सामने से आ रही है उसको रास्ता देना, पीछे से आ रही है उसको रास्ता देना, सीख चुका था इधर, इधर ही सीखा है मैंने गाँव में, और उधर मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। अरे छोड़ के ना गेयर बाहर, इधर इधर स्लो 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 कर ले, स्लो कर ले, स्लो स्लो राउंड। सही है, क्रॉसिंग ठीक है इसकी, गुड क्रॉसिंग चाहिए सब आपकी, ठीक है। इसके ऊपर, इसके ऊपर आप और मेहनत करें। उस्ताद जी बोलो यार, इंडियन का उस्ताद जी वो है, चोई साहब है। हाँ मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं तो आ जाए उनके साथ। मैंने देखा, कहते जी हम गाड़ी भी चलाते हैं ना जी, राम राम से, राम राम से ब्रेक मारा करो। सही है, पहले ये, पहले ये गियर बटन भाई। तो अभी यह कि चलते हैं थाती बाजार, उधर से समोसे लेते हैं, मौसम आपको दिखाते हैं यार, गाँव का मौसम चेक करें, बारिश वाला मौसम बना हुआ है। दिन को तो धूप थी, शाम का टाइम है और बादल आए हुए हैं, चेक करें, मुझे लगता है रात को बारिश होगी। और ये के समोसे लेते हैं, पहले इनको हफ्ता डेढ़ चोई साहब ने ग्राउंड में भी चक्कर लगवाए हैं, कंट्रोल थोड़ा किया गाड़ी के ऊपर इन्होंने थोड़ा बहुत, तो अभी रोड पे ले आए हूँ आज, उधर जाकर आराम से ब्रेक मारने हैं। राम राम, आसरा शुरू से आसरा आसरा कर लिया करो, शुरू से आसरा कर लिया करो, ब्रेक आस्ता सा मार लिया करो, जब पास हो थोड़ी सी दबा लो, थोड़ी सी ज़्यादा भी नहीं, गाड़ी तो रुक जाए। तो अभी यह है कि थाती बाजार आ चुके हैं, चोई साहब गए हैं समोसे लेने, दो अन्नी हो, दो समोसे, हाँ ज़्यादा लाओ नहीं हो, भूख लगी हुई है, साथ दही लाई। आप थाती आए और थाती के समोसे ना खाएं, तो फिर आपने थाती आने के पैसे ज़्यादा किए, हम और ज़्यादा बहस ही नहीं करते आपसे। अब उम्र की बारी है, उम्र गर्म है, दो समोसे गर्म नहीं है ना, उसको बोल गर्म कर, समोसे ठंडे लाए,
समोसा चोए सब ठंडे ले आए हैं। हाँ जी समोसा ठंडे ले आए हैं। क्या लेट हो गए जल्दी? लेट गर्म करके लाता ना, तो अभी शादल गया है समोसे गर्म कराने। ये समोसे लेने गया था लेकिन ठंडे ले आया, तो अब शादल दोबारा गया है, तो समोसे शादल ले आया, अभी समोसे खाते हैं। तो अभी ये के चोए साहब चला रहे हैं, चोए साहब ट्रक चलाने भी हो पीछे। ओए समोसा नहीं खाना पीछे देश गेट डलता नहीं है, समोसा खा रहा है गाड़ी चलाते हुए पीछे डे लोग चोए साहब ट्रक चलाने पे हो चोए साहब ना अभी। फाइनली घर आ चुके हैं और यह है कि गाड़ी अभी खड़ी कर दी है और शाम हो चुकी है। रास्ते में काफ़ी कीचड़ होता है जिसकी वजह से यह है कि टायर शेयर जो है ना गंदे हो जाते हैं, बॉडी भी गंदी हुई है सारी इसकी, चक्कर है। अभी रात है, शायद दिखाई ना दे रही हो, लेकिन यह है कि बॉडी शॉडी जो है गंदी हुई है इसकी। तो अभी मैं इसको रात को धोना है ईशा के बाद, तो मैट शर्ट मैंने निकाल दी इसके और यह कि वापस आके धोते हैं इसको भी। अच्छा जी, तो अभी नमाज़ पढ़ के आ गई वापस और यह कि वाला साहब ने बोला है कि गाड़ी जो है अभी ना दो, क्योंकि यह है कि रात को दिखेगा भी नहीं और ऊपर से यह है कि मिट्टी काफ़ी है तो फिर सही धोनी नहीं होगी, तो कल सुबह हम गाड़ी धोएंगे। तो अभी यह गाड़ी पार्क करते हैं अंदर। Oh, 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 oh